दोस्तों, मैं वैभव आपका ओरिजन एकेडमी में स्वागत करता हूं। इसके पहले जो वीडियो हुआ था उसमें स्टाइलस प्रोब टाइप इंस्ट्रूमेंट देखा था। आज का जो वीडियो, इस वीडियो में डॉक्टर टॉमिल्सन सरफेस टेस्टर देखना है। बेसिकली ये जो सरफेस टेस्टर्स होते हैं उसमें क्या होता है, एक आपका स्टाइलस रहेगा, उसका जो मटेरियल रहेगा वो मटेरियल आपका हार्ड होता है, जो मटेरियल आप चेक कर रहे हो उससे ज़्यादा, क्योंकि आपका जो कंसिडर करिए आपका स्टाइलस है और ये सामने का टिप है। तो ये क्या होता है, आपका जो सरफेस है मेजरिंग सरफेस उसके ऊपर ऐसे स्लाइड होता है या मूव होता है। तो ये सामने वाला जो सरफेस रहता है उसका स्टाइलस का जो मटेरियल रहेगा वो डायमंड रहता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये मैंने डॉक्टर टॉमिल्सन सरफेस टेस्टर का डायग्राम निकाला है। यहाँ पे आप फ्रंट व्यू देख रहे हो और इसका ये टॉप व्यू है। आपका ये जो अरेंजमेंट है यहाँ का, ये समझने के लिए आपको ये व्यू इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में आप खाली ये भी ड्रॉ कर सकते हो। तो इसमें आपको पहले समझ में क्या लेना है कि यहाँ पर आपका एक स्टाइलस है जो क्या करता है, आपके मेजरिंग सरफेस पे स्लाइड होता है या मेजरमेंट करता है। एक्चुअल आप ये देख रहे हो, ये सरफेस है, ये जो दिख रहा है ये आपका स्किड है। स्किड क्या करता है, आपके स्टाइलस को क्या करता है, गाइड करता है कि आपको कैसे कैसे स्टाइलस को मूव करना है। फिर ये मेजरिंग सरफेस है, ये आपका दिख रहा है ये स्टाइलस है। ये स्टाइलस को क्या किया है, यहाँ पे एक लैप सिलेंडर है, अभी देख सकते हो। ये लैप सिलेंडर का अगर मैंने प्रोजेक्शंस नीचे लिए तो ये प्रोजेक्शंस है इसके, ये लैप सिलेंडर के ये प्रोजेक्शंस है यहाँ पे। और ये जो दिख रहा है ये क्या है, फिक्स सिलेंडर है। यहाँ पे ये दो फिक्स रोलर्स है। फिर आपका स्टाइलस ये जो फ्रंट व्यू में ऐसे दिख रहा है तो टॉप व्यू में कैसा एक सर्कल दिखेगा आपको, ठीक है। अभी ये जो स्टाइलस है आपका, ये जो बॉडी है या आप बोल सकते हो ये लैप सिलेंडर को कैसे होल्ड किया है, ये आपका स्टाइलस है और ये आपका लैप सिलेंडर है। इसको कैसे होल्ड किया है, ऊपर एक स्प्रिंग है यहाँ पे और नीचे एक लिप स्प्रिंग है, उसकी वजह से उसको क्या किया है, एक फिक्सली उसको ऐसे फर्मली होल्ड किया है का उसको मूवमेंट, उसका जो स्टाइलस का मूवमेंट है खाली वर्टिकल मूवमेंट हो, ठीक है ना। उसका मूवमेंट इधर इधर जाने के लिए उसको रेस्ट्रिक्ट कौन कर रहा है, ये लिप स्प्रिंग और ये ऊपर वाला कॉइल स्प्रिंग उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, मतलब फिक्स सिलेंडर पर उसको क्या किया है, उसको फिक्स किया है। अभी फिर उसके बाद ये जो लैप सिलेंडर है आपका, लैप सिलेंडर को क्या किया है, एक लाइट मेटल आर्म अटैच किया है। और फिर ये लाइट मेटल आर्म के एंड में क्या अटैच किया है, उन्होंने डायमंड स्क्राइबर अटैच किया है उसका। और ये आपका इसके इधर आपका ग्लास है, आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपका ये लैप सिलेंडर है और ये एक लाइट मेटल आर्म है और यहाँ पे एक डायमंड स्क्राइबर है और ये आपका ग्लास है यहाँ पे। तो होता क्या है, बेसिकली कंस्ट्रक्शन में आप इतना लिख सकते हो कि क्या क्या है, स्टाइलस है, लिप स्प्रिंग है, स्प्रिंग है, फिर स्टाइलस को क्या किया है लैप सिलेंडर के साथ उसको फर्मली फिक्स करने के लिए स्प्रिंग का यूज़ किया है। फिर लैप सिलेंडर के पीछे दो और रोलर्स है, उसको क्या कहते हैं, फिक्स रोलर्स कहते हैं। फिर ये जो आपका लैप सिलेंडर है उसको एक लाइट मेटल आर्म अटैच किया है, उसके एंड में डायमंड स्क्राइबर वगैरह है ग्लास के ऊपर, ये कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हो। फिर वर्किंग में क्या करना है आपको, कि जैसे आप ये जो स्टाइलस है इस डॉक्टर टॉमिल्सन सरफेस टेस्टर को मोटराइज्ड मैकेनिज्म से आप ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये जो स्टाइलस है ये क्या होगा, जैसे आपका सरफेस होगा वैसे वो क्या होगा, ट्रैवल होगा। लेकिन वो ट्रैवल करते क्या टाइम क्या करेगा, अगर नीचे जाएगा नहीं तो फिर ऊपर जाएगा। जैसे ये मूवमेंट करेगा, कंसिडर करो ये डाउन गया या अप गया, तो क्या होता है, इसके साथ ये जो आपका रोलर है, ये रोलर क्या करता है, ऐसे मूवमेंट करता है। ये रोलर क्या करेगा, एक तो ये डायरेक्शन में नहीं तो अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करता है, रोटेशन करता है। आप जैसे देख सकते हो, कंसिडर करो ये स्टाइलस है और ये आपका लैप सिलेंडर है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी इसको ऊपर लेके जाता हूँ। अगर मैं ये स्टाइलस ऊपर गया तो क्या होगा, ये डायरेक्शन में रोटेट होगा, ठीक है। नहीं तो फिर ये अगर नीचे जाएगा तो ये डायरेक्शन में रोटेट होगा। तो फिर ये रोटेशन की वजह से क्या होगा, आपका ये जो डायमंड स्क्राइबर है ये क्या करेगा, आपके ग्लास के ऊपर मार्किंग करेगा। फिर ये जो कुछ मार्किंग रहेंगे आपको क्या करना है, आपका ऑप्टिकल प्रोफाइल प्रोजेक्टर जो रहेगा उसके ऊपर क्या करना है, X50 जूम या X100 जूम को क्या करना है आपको, वो जो मार्किंग है जो डायमंड स्क्राइबर ने किए वो क्या करनी है आपको, ऑब्जर्व करनी है। आई बात समझ में, कि पहले इसका मूवमेंट होगा वर्टिकल मूवमेंट, इसकी वर्टिकल की मूवमेंट से वजह से ये लैप सिलेंडर जो है जो फिक्स रोलर पे सपोर्टेड है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये क्या करेगा, ऐसे मूवमेंट करेगा। कंसिडर करिए ये आपका सिलेंडर है और ये आपका इसका ये है, तो ये क्या करेगा, जैसे मूवमेंट करेगा ये ऐसे ऐसे इसके ऊपर मार्किंग करेगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।